Assalamu alaikum, dear student, myself Atiqur Rahman Ansari. पिछले लेक्चर्स हमने लिए हैं, तो आज हम ये छोटा सा लेक्चर दो चीज़ों का डिफरेंस पता चलाएंगे कि इन दो चीज़ों में क्या डिफरेंस है, इन दो लफ्ज़ों में क्या डिफरेंस है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आइए हम अपना ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड इट्स। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आप लोगों के सामने आज का टॉपिक है या आज का ये दो वर्ड्स हैं, ये बहुत अहम है। हमारा मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो इन दो चीज़ों के हवाले से बड़ा मिस्टेक करता है और कंप्रीहेंड नहीं कर पाता है कि ये कहाँ इस्तेमाल करना है और ये इट्स कहाँ पे इस्तेमाल करना है। पंक्चुएशन रूल्स में भी, ग्रामर में करेक्शन के हवाले से भी, जिस भी टेस्ट में आप जाते हैं उन तमाम टेस्ट के हवाले से ये चीज़ बहुत अहम है। तो आइए हम इसको देखते हैं कि क्या डिफरेंस है इन दोनों चीज़ों में। तो इट्स, जब अपोस्ट्रॉफी के साथ, कॉमे के साथ अगर ये क्या चीज़ आती है जी, इट्स आता है, तो असल में ये होता है शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म किस चीज़ की शॉर्ट फॉर्म है जी? ये है जी असल में इट इज की, इट मे बी इट वॉज, इट मे बी इट हैज। तो जहां भी ये तीन यूज हो सकते हैं इसके, तो वहां पर हम क्या करते हैं जी, इट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब जरा इसकी एग्जांपल देखिएगा। यहां पर हम देखते हैं कि इट इज अ फाइन डे। अब इसको आप देख रहे हैं ना कि इस जो है, इसको हम इस अंदाज से भी लिख सकते हैं इस सेंटेंस को, इट्स अ फाइन डे। अब ये क्या हो जाएगा, इट इज हो जाएगा, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में क्या कर लिया है बेटा जी, इट्स कर लिया है, इट्स अ फाइन डे। अब इसी को हम इट्स अ फाइन डे, इससे मुराद ये भी हो सकता है कि इट वॉज अ फाइन डे, ये एक उम्दा दिन था, ये एक उम्दा दिन है। तो ये शॉर्ट फॉर्म है इन तीन चीजों की, एब्रीविएशन है इन तीन चीजों का। अब आ जाते हैं इट्स की तरफ। ये है असल में पोजेसिव फॉर्म, पोजेसिव केस। क्या चीज है जी असल में, ये पोजेसिव फॉर्म है। किस चीज का पोजेसिव फॉर्म है? इट का। इट प्रोनाउन है ना हमारे पास, ठीक है जी, उसका जो है पोजेसिव, यानी मलकियती केस है, ये मलकियती हालत है ये। तो ये मलकियती हालत को शो करता है इट की, यानी अगर किसी चीज के हवाले से हम इट, ये है हमारे पास सब्जेक्टिव फॉर्म। इट जो है हमारे पास कौन सी फॉर्म है? हाँ जी, सब्जेक्टिव फॉर्म। तो सब्जेक्टिव फॉर्म का पता है आपको कि क्या होता है, फाइली हालत। अब इसका हमें कहीं पर मलकियती हालत यूज करनी पड़ती है, इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो बेटा हम इसको इस्तेमाल करते हैं किस अंदाज से, इट्स की हालत में। देखें आप, एक सेंटेंस आपके सामने मैं बोल रहा हूं कि इट्स, इट हैज, इट्स ऑन फीट। ठीक हो गई बच्चे? अब ये देखें, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, इट्स, इट्स फीट, ऑन फीट। ठीक हो गई बात? ये हो गई इसकी शॉर्ट फॉर्म अपोस्ट्रॉफी के साथ।
और ये बगैर अपोस्ट्रॉफी के जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये इसी की हम क्या कर रहे हैं, मलकियती हालत को वो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि ये इसकी मलकियती हालत है। ठीक है बेटा जी, तो ये जहन में रख लें आप लोग कि क्या करना है कि इट्स असल में पोजेसिव फॉर्म है। क्या चीज़ है बेटा? इट्स असल में पोजेसिव फॉर्म है। किस चीज की? इट की। इट को जहन में रखें कि इट क्या चीज है, सब्जेक्टिव केस है, फाइली हालत कहते हैं इसको, सब्जेक्टिव केस। और इसका जो पोजेसिव केस है, ये पोजेसिव फॉर्म है, वो क्या चीज है? इट्स है। और ये जो अपोस्ट्रॉफी के साथ या इसके साथ कॉमे के साथ है, तो वो असल में इट इज है, इट वॉज है और इट हैज है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये छोटा सा डिफरेंस समझ आया होगा। कोई सवाल इससे रेलिवेंट हो तो आप जरूर पूछिए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।